दोस्तों, तमाम अटकलों के बीच हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अनाउंस कर दिया है कि अग्निपथ भर्ती योजना बंद नहीं होगी, बल्कि जल्द ही अग्निवीरों के लिए भर्ती शुरू की जाएगी। तो कब से भर्ती शुरू होगी और आप कैसे कर पाएंगे उसके लिए अप्लाई, आयु सीमा और अलग अलग पदों के लिए योग्यता क्या होगी और नियमों में क्या बदलाव किए गए हैं आदि सभी के बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों, क्लियर कर दिया गया है कि वायुसेना में 24 जून से, नौसेना में 25 जून से और थल सेना में 1 जुलाई से अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। और शुरू में 25,000 अग्निवीरों के लिए भर्ती निकाली जाएगी और दिसंबर तक ये अग्निवीर बनकर तैयार हो जाएंगे और बाकी के 15,000 अग्निवीरों के लिए फरवरी के लगभग भर्ती शुरू की जाएगी। इसके लिए 8th, 10th और 12th के 17.5 से 23 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो तीनों सेनाओं में जनरल ड्यूटी के पद के लिए कैंडिडेट का 10th में टोटल 45% नंबरों से पास होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में 33-33% नंबर आने चाहिए। और अग्निवीर टेक्निकल के पद के लिए कैंडिडेट का साइंस साइड से 50% नंबरों के साथ 12th पास होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में 40-40% नंबर आने चाहिए, या कैंडिडेट का किसी भी विषय में 12th पास होना चाहिए और उसके पास कम से कम 1 साल का ITI का कोर्स किया होना चाहिए। और अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय में टोटल 60% नंबरों से 12th पास होना चाहिए और उसके अलग अलग विषयों में 50-50% नंबर आने चाहिए। जबकि अग्निवीर ट्रेड्समैन के पद के लिए कैंडिडेट का किसी भी विषय में 10th पास होना चाहिए और उसके अलग अलग विषयों में 33-33% नंबर आने चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन के पद के लिए 8वीं पास पर भी भर्ती की जाएगी, जिसके लिए कैंडिडेट का 8वीं पास होना जरूरी है और उसके 8वीं में अलग अलग विषयों में 33-33% नंबर आने जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, हम आपको बता दें कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अग्निवीर इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करने के लिए joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर पाएंगे। एयरफोर्स में जाने के लिए आपको एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। यहीं पर आपको ऊपर अग्निपथ का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। और नेवी में जाने के लिए आपको joinindiannavy.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यह वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है, लेकिन जल्द ही आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी, जहां पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, जब भी भर्ती आएगी तो हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे। इसके साथ ही जान लेते हैं कि आखिर पुराने नियमों में क्या क्या बदलाव किया गया है और क्या क्या नए नियम आए हैं। तो सबसे पहले तो यह क्लियर कर दिया गया है कि जिन्होंने भी इस प्रदर्शन में तोड़फोड़ की है, जिनके खिलाफ FIR हुई है, वे इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, भर्ती नहीं दे पाएंगे। जिन भी कैंडिडेट की 10th के बेस पर भर्ती होगी, उन्हें 4 साल पूरे होने पर 12th का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसे प्राइवेट जॉब मिलने में आसानी होगी। सेवा के दौरान 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलेगी। बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी दी जाएगी और इस दौरान तनख्वाह लगातार मिलती रहेगी। इसके साथ ही सर्विस आर्मी कैंटीन की सुविधा भी अग्निवीरों के लिए उपलब्ध होगी। अग्निवीरों की अलग से एक ड्रेस होगी। हर अग्निवीर का 48 लाख का बीमा होगा और ऊपर वाले ना करे, अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को 48 लाख और बाकी धनराशि मिलेगी और अपाइज हो जाने पर 15 लाख से 44 लाख रुपए मिलेंगे। 4 साल के बाद कैंडिडेट को लोन की आवश्यकता है तो बैंक की तरफ से कम ब्याज दरों पर लोन मिलेगा। और यही 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद अग्निवीरों को स्टेट पुलिस में औरों से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो इतनी सारी सुविधाएं अग्निवीरों के लिए कर दी गई है और जल्द ही इसकी भर्ती भी शुरू हो जाएगी। तो आप तैयारी में लग जाइए और इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।